नमस्कार, मैं शिवांग द्विवेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं पांडव फॉल में, जो कि सतना से काफ़ी निकट है। घूमने के लिए, फैमिली विजिट के लिए काफ़ी अच्छी प्लेस है। इसका माना जाता है कि ऐतिहासिक भी काफ़ी इसका महत्व है। पांडवों के जब वनवास काल चल रहा था, उनका वो यहाँ के ठहरे हुए थे, उसके इतिहास के बारे में हमें कुछ जानकारी देंगे यहाँ के गाइड हैं। हेलो, तो नमस्ते सभी को, मेरा नाम हेमान है, मैं आपका गाइड हूँ और इस प्लेस के बारे में आपको जानकारी दूंगा। बाघों की धरती पन्ना एवं हीरे की धरती पन्ना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पांडव वाटरफॉल। तो महाभारत काल के टाइम पे जब 5 पांडव अपना राज्य साम्राज्य सब कुछ जुए में हार चुके थे, फिर इसके बाद उनका वनवास काल हुआ था। 12 वर्ष का 1 वर्ष का अज्ञात था। तो पांडवों द्वारा अपने वनवास काल में इस जगह पर गुफाओं में रह के कुछ टाइम का स्टे व्यतीत किया गया था, इसी वजह से इस प्लेस का नाम पांडव वाटरफॉल रखा गया। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पांडव वाटरफॉल। इसके बाद जो ये एरिया है, ये पन्ना नेशनल पार्क के कोर जोन में आता है, जहाँ पर अक्सर वाइल्ड एनिमल का विचरण होता रहता है। अधिकतर यहाँ पर देखे जाने वाले एनिमल्स टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, सांबर डियर, स्पॉटेड डियर अधिकतर यहाँ पर दिखते रहते हैं, बट डिपेंड करते हैं वो पानी के ऊपर, क्योंकि गर्मी के टाइम पे सब जगह के पानी के स्रोत सूख जाते हैं, बट इस लेक में कंटिन्यू पानी रहता है 12 मास, इसी वजह से यहाँ पर जंगली जानवरों का आवरण होता रहता है। तो जो आप ये फॉल देख रहे हैं, ये पूरे रेनेसिंग पर डिपेंड करता है। हमको इस प्लेस में दो प्रकार के वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट तो ये रहा जो पूरे रेनेसिंग पर डिपेंड करता है, सेकंड स्प्रिंग वाटरफॉल जो नीचे मिलेगा, बट उसका स्पीड लिमिट होता रहता है, कभी कम तो कभी बढ़, उस हिसाब से। और जो आप ये लेक देख रहे हैं, इसकी गहराई 30 से 40 फीट के समथिंग है, जिसमें 3 से 4 प्रकार की डिफरेंट मछलियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और इसका जो ओवरफ्लो का पानी बहते हुए जा रहा है, वो नीचे जाके कैन रिवर में मिल जाता है। इंटरेस्टिंग बात है, जो आप पेड़ों पे स्क्रैच देख रहे हैं नीचे से लेके ऊपर तक, ये स्लॉथ बियर के नाखून के स्क्रैच हैं। जो स्लॉथ बियर है वो एक नॉक्टर्नल एनिमल होता है, जो हमेशा अधिकतर रात को एक्टिव होता है, और जो उसकी फेवरेट डिश होती है वो होती है शहद। अक्सर वो यहाँ पर रात को शहद पीने के लिए आता है। आप ऊपर कुछ छत्ते देख सकते हैं शहद के लगे हुए हैं, कुछ वो तोड़ के पी गया है। और ये स्क्रैच अभी ताजे हैं, कल शाम के यहाँ देख सकते हैं आप। तो जो आप ये लेक देख रहे हैं, इसकी गहराई 30 से 40 फीट के समथिंग है, जिसमें 3 से 4 प्रकार की डिफरेंट मछलियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और हमको इस प्लेस में दो प्रकार के वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट तो ये रहा जो पूरे रेनी सीजन पर डिपेंड करता है, सेकंड स्प्रिंग वाटरफॉल जो आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक। इस फॉल के बारे में आपको बताऊँगा कि जो इसका ओवरफ्लो का पानी होता है वो नीचे जाके कैन रिवर में मिल जाता है। कैन रिवर की यहाँ से दूरी है 10 किलोमीटर। जो कैन रिवर है वो MP की सबसे क्लीन नदी माने जाते हैं, क्योंकि वो पन्ना के जंगलों से 55 किलोमीटर अंदर बहती है और वो पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा भी मानी जाती है। इसके बाद जो आप सेकंड वाटरफॉल देख रहे हैं, ये होता है स्प्रिंग वाटरफॉल। इसकी मैं खासियत आपको बताता हूँ कि ये एरिया ऊपर से पूरा ड्राई है, इसके ऊपर पानी का कोई भी स्रोत नहीं है। इसका रीज़न क्या है, जो आप ऊपर की पत्थर की लेयर देख रहे हैं ब्लैक कलर की, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, उनका काम होता है पानी को फिल्टर करना। इसके बाद जो येलो कलर के, व्हाइट कलर के आप पत्थर देख रहे हैं, ये होते हैं लाइमस्टोन, जो बरसात के पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं और पूरे सीजन उस पानी को रिलीज़ करते रहते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि इस पानी में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का मिश्रण है, क्योंकि बेसिकली आप देख सकते हैं, फर्स्ट तो पत्थर पानी को फिल्टर कर रहे हैं, फिर अनेक प्रकार की जड़ों के साथ वो पानी नीचे आ रहा है, तो बेसिकली इसमें जड़ी बूटियों का होना संभवतः है। और अभी एक गेस्ट ने इस पर चेक किया था पानी को, तो 109 TDS भी निकला था। तो अंदर पांडव गुफाएं थी, जब वनवास काल में पांडवों द्वारा यहाँ पर कुछ टाइम का स्टे व्यतीत किया गया था। इसके बाद जो आप आउट ऑफ स्ट्रक्चर बात का बनाया हुआ देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, यहाँ के लोकल गौंड राजाओं द्वारा, जिनका काल शासन काल सन 1600 से 1700 ईस्वी के बीच हुआ करता था, उनके द्वारा हंटिंग प्लेस के रूप में डेवलप किया गया था। बेसिकली क्योंकि मैंने बताया था कि इस लेक में 12 मास पानी रहता है, तो अनेकों प्रकार के एनिमल्स यहाँ पर पानी पीने के लिए आते रहते हैं, तो राजाओं को शिकार करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हुआ करती थी, इसी वजह से उन लोगों ने इस जगह को हंटिंग प्लेस के रूप में चॉइस किया था। इसके बाद हमारे पन्ना में 90+ टाइगर हैं और 500+ लेपर्ड हैं, और स्लॉथ बियर इतने हैं कि उनकी कोई काउंटिंग ही नहीं है, और 250+ बर्ड स्पीसीज हैं डिफरेंट। तो जो आप ये रॉक फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये स्टेलिकमाइट है, इसको स्टेलिकटाइट बोलते हैं। जो ऊपर से नीचे की ओर आता है उसको स्टेलिकटाइट, जो नीचे से ऊपर की ओर आता है उसको बोलते हैं स्टेलिकमाइट। ये रॉक फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ गुफाओं वाले एरिया में मिलेगी, ओनली गुफाओं में बोला जाए तो नॉर्मल तौर पर, क्योंकि आप देख सकते हैं गुफाओं में पानी के साथ एक प्रकार का कैल्शियम आता है, जिस प्रकार जितना पत्थर ऊपर से नीचे की ओर आएगा उतना ही नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो बूंद गिरी, तो देखो पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे।
पत्थर बना है पूरा बढ़ रहा है। और ये देखिए ये तो कंटिन्यू बढ़ ही रहा है और यहाँ पर पूरा घिसते हुए आ रहा है तो पूरा एक लेयर बन गई है। और शायद मेरे हिसाब से आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम ये रॉक देखा हो। इसकी एज इसको बनने में कम से कम 500 से 1000 वर्ष का टाइम लग गया होगा, क्योंकि नॉर्मल तरीके से अगर एक दो साल कंटिन्यू पानी गिरता है तो उसमें आपने देखा होगा एल्गी बनते हुए, लेकिन रॉक कभी नहीं बनते। रॉक बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो मेरा मानना है इसमें 500 से 1000 वर्ष का टाइम लगा होगा। लोकल 18 के लिए शिवांग द्विवेदी की रिपोर्ट, सतना।